पार्ट वन में आपने बात की थी, जिसके अंदर आपने बताया था कि कौन कौन से कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, उस रिएक्शन की पहचान कैसे की जाए, उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, और उस पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म की भी बात की थी। आज हम उसे आगे बात करेंगे। इससे पहले पार्ट फर्स्ट कर लिया था, आज पार्ट सेकेंड अर्थात उससे आगे हैलोफॉर्म रिएक्शन की बात करेंगे, जिसे इसमें अपन एक एग्जांपल लेके देखें, जिससे कि CH3 OCH3 इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराए और बेस की प्रेजेंस में बेस के रूप में ये ले जाए। तो अपन जानते हैं कि कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन वाला कंपाउंड, इसकी रिएक्शन हैलोजन प्लस बेस के साथ करेगी, इसका ये रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो सबसे पहले तो यदि आपको पता लग गया है कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, तो इसका डायरेक्ट यदि प्रोडक्ट लिखना है तो किस तरीके से लिखेंगे, तो उसमें अपन कह सकते हैं यहाँ पर जैसे बताया CH3COOH किसी कंपाउंड है तो वो कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन लेता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है अपन जानते हैं ये CH3COUH ग्रुप है, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रुप यदि उपस्थित है इसका हैलोफॉर्म देगा। और करना क्या है, जैसे कि अपन करेंगे यहाँ पर इस CH3 वाले को ब्रेक कर देंगे, इस वाले पार्ट को चेंज कर देंगे अपन यहाँ पर हैलोफॉर्म के अंदर, इसको आप सीधा चेंज कर देंगे हैलोफॉर्म के अंदर, और इधर वाले जो पार्ट है ये जो पार्ट है ये पार्ट इस पार्ट को आप चेंज कर देंगे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अर्थात हैलोफॉर्म के रूप में ये बन गया CH Br3+, ये दो कार्बन का एसिड अर्थात एसिडिक एसिड का ये सॉल्ट, ठीक है। ये तो अपने काम आपको पता लग गया कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है तो उसका तरीका ये हुआ कि जो CH3 वाले ग्रुप को है उसको बॉन्ड को ब्रेक करके इस वाले पार्ट को आप हैलोफॉर्म में चेंज कर दें और इधर वाले पार्ट को आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में चेंज कर दें। और यदि इस रिएक्शन की आप यदि मैकेनिज्म की बाप करते हैं, अपन चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है तो किस तरीके से होगी जरा देखना। सबसे पहले यहाँ पे जिसे मैकेनिज्म में कहा टू स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है हेलोजिनेशन और दूसरा स्टेप होता है हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे पहला जो लिया अपन जानते हैं हेलोजिनेशन के अंदर पहला जो स्टेप वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर जिस CH3COOH एंड यहाँ पे ये लिया CH3, तो सबसे पहले OH- बेस बेस के द्वारा अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन को डालते हैं। उसमें आपने बताया था अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन इनोलेट आयन के थ्रू आता है। ये सारी मैकेनिज्म अपने पार्ट फर्स्ट में कर रखी है, इसलिए अपन अभी यहाँ डिटेल से ज्यादा नहीं जाएंगे, अपन डायरेक्ट ध्यान दे देता हूँ मैं कि इस प्रकार से इस बेस के द्वारा यहाँ से ये जो बेस है OH- इस बेस के द्वारा यहाँ से जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा ये इनोलेट आयन के थ्रू हटता है, उसी समय यहाँ पर ये जो Br दिया गया है ये Br यहाँ पर तो बेस के द्वारा जैसे ही H+ यहाँ से हटेगा, ठीक है, इनोलेट आयन बनेगा, O- ये वापस इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे माइनस आएगा और उसी समय Br+ इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जुड़ जाएगा। और सीधा यदि आप लिखते हैं तो अपन देखेंगे बेस के द्वारा जैसे एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया Br यहाँ जुड़ गया, तो ये बन गया यहाँ पर Br CH2COOH, ठीक है। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर दूसरा स्टेप की बात करें OH- बेस, फिर क्या करें यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया, फिर यहाँ से ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है यहाँ से फिर इस एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, ये बेस यहाँ से इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, और जैसे ही बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा उसी समय यहाँ पे
ये बीआर तो है कि एज इज इलेक्ट्रोफाइल के यहां पे जुड़ जाएगा, हैलोजनेशन हो जाएगा, तो ये बनेगा बीआर सीएच बीआर एंड सी डबल ओ एंड सी एच। ठीक है, फिर क्या होगा यहां पे, यहां पे जो दिया गया है वो एच माइनस बेस, फिर अपन जानते हैं ये बेस फिर अल्फा कार्बन से, इस अल्फा कार्बन से एच प्लस आएगा, और इसी समय यहां पर ये जो बीआर है ये बीआर यहां जुड़ जाएगा, और ये हो गया यहां पर बीआर बीआर बीआर, ये है हैलोजन। तो यहां पे सबसे पहली बात ध्यान आपको क्या रखनी है, जरा ध्यान रखना, जैसे ही बेस के द्वारा यहां से अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन हटाया जाएगा और यहां पर इसके कार्बन पर हैलोजन भी जुड़ेगा, तो अल्फा हैलोजनेशन इसके जैसे इधर से स्टार्ट हुआ तो दूसरा अल्फा हैलोजन भी इधर से ही होगा, क्योंकि इसकी तुलना में ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन मोर एसिडिक है, फिर तीसरा भी इधर ही होगा, अर्थात जैसे ये हैलोजनेशन एक तरफ कंप्लीट हो जाए तो फिर आगे हैलोजनेशन दूसरी तरफ नहीं होगा, अब दूसरी स्टेप में आगे इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, फिर आपको भी ऐसा आगे हैलोजनेशन, अब इधर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है तो इधर हैलोजनेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही इस पर इस साइड कंप्लीटली हैलोजनेशन होगा ये CCl3 या CbR3 रहेगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएगा जिसके कारण CO ग्रुप की न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए आगे इससे अगला जो स्टेप होगा उसमें OH- माइनस बेस की तरह कार्य न करते हुए न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए CO ग्रुप पर जुड़ेगा, अर्थात मैं यहां पे सेकंड स्टेप इसका दे दिए हैं, तो इस तरीके से लिख सकता हूं CH3 जिसे यहां पे या गया C या गया Br3 C N डबल O एंड CH3, ये जो OH- है ये OH- यहां पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए इस पे एडिशन देगा, अतः अब OH- इधर अल्फा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं हटाएगा, क्योंकि जैसे इधर की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया CO ग्रुप की न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां जुड़ेगा, जैसे ही जुड़ा ये आ गया आपका Br3 C H2 CH3 H2H, और अब अपन कहेंगे ये जैसे O पे माइनस है ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये गुड लिविंग ग्रुप है ये यहां से हट जाएगा, जिससे ये आ गया C Br3 माइनस CBr3 माइनस CH3 C डबल OH, अतः ये आ गया यहां पे CH3 C डबल O एंड ये आ गया OH। हां अब क्या होगा, ये जो है CBr3 माइनस ये यहां से इस एसिड का हाइड्रोजन को ले ले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये एसिड है और CBr3 माइनस बेस है वहां से H+ ले लेगा, तो ये H+ वहां से लेने से क्या होगा, ये H+ यहां आने पर ये आ गया CH Br3 एंड CH3 CO एंड H+। ठीक है, ये जो दूसरा स्टेप है ये अपन कहते हैं इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। तो इससे पहले अपने बात की थी एसिटिलिएट का एग्जांपल लिया था, एसिटिलिएट के साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन की पूरी मैकेनिज्म लेके बात की थी, अभी अपने एसीटोन का लिया, इससे अपन यहां पे ये बताना चाह रहे हैं इस एग्जांपल से हैलोजनेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर हैलोजनेशन वन साइड होगा, वन साइड जैसे हैलोजनेशन कंप्लीट होगा अगले स्टेप में फिर आगे हैलोजनेशन ना होके हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, क्योंकि फिर CO ग्रुप की जो है ये CO ग्रुप है इसकी न्यूक्लियोफाइल के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी OH- न्यूक्लियोफाइल के प्रकार करते हुए याद हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से ये हैलोफॉर्म प्लस ये तो ही इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अब आप सीधा ध्यान रखना हो, ठीक है, तो आप इतना ध्यान, आपको पता है कि CH3 C डबल ओ CH3 प्लस हैलोजन प्लस बेस, इसका रिएक्शन कौन सी है, हैलोफॉर्म रिएक्शन, तो इस हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर अपन क्या कहेंगे आपको पता लगेगा, कहिए
रिएक्शन कौन सी है, हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो आप सीधा करते हैं CH3 को ब्रेक करके इस वाले पार्ट को हेलोफॉर्म एसिड के सॉल्ट में चेंज कर सकते हैं। ये आप वन स्टेप पे ले सकते हो, ये पूरी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म के थ्रू ले सकते हो, जो कि अपन इसे पहले वाले पार्ट में भी पूरी डिटेल से मैकेनिज्म आपको बताई थी। इसमें और आपको एक एग्जांपल लेके इसके अंदर मैकेनिज्म बताई है। और हेलोजेनेसिस की रेट की बात करें, जैसे पहले वाले से माना कि इसकी हेलोजेनेसिस की रेट R1 है, इसकी माने कि R2 है, इसकी R3 है, तो क्या होगा, जैसे जैसे आगे जाएंगे हेलोजेनेसिस की रेट बढ़ेगी, क्योंकि अल्फा कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जिसके कारण हेलोजेनेसिस की रेट भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो हेलोजेनेसिस तो होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन में वन साइड में होगा, जबकि आपको CH3 इधर ही है, लेकिन जैसे इधर या इधर कहीं भी करा सकते हो, एक तरफ जैसे ही कम शुरुआत होगा, माना कि इधर से हेलोजेनेसिस स्टार्ट हुआ तो दूसरा फिर इधर ही होगा, तीसरा इधर होगा, फिर आगे हेलोजेनेसिस के बजाय अपन देंगे OH- न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ जुड़ जाएगा, अर्थात दूसरा स्टेप हाइड्रोलाइसिस का हो जाएगा। ये बात को मेनली ध्यान, ठीक है। अब अपन आगे ये बात करें, जैसे कि अपने काका भी हेलोफॉर्म में रिएक्शन है, वो कार्बोनिल कंपाउंड तो देते ही है, इसके अलावा कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा अपन कहें एल्कोल भी जो है वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, एल्कोल की हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो फिर कहेंगे एल्कोल हेलोफॉर्म रिएक्शन किस तरीके से लेंगे, इसकी बात करें। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पे, जैसे कि CH3 ये लिया, इसकी रिएक्शन कराए क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन के साथ कराए प्लस NaOH या KOH, ये बेस्ट है, ठीक है। हाँ, तो ये एल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन प्लस बेस के साथ था। अपन जानते हैं कि CH3CHOH है, इसका ये कंपाउंड की हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है, लेकिन ये एल्कोहल है, तो क्या होगा, जरा ध्यान रखना, यदि एल्कोहल लेते हैं तो हेलोफॉर्म रिएक्शन का एक स्टेप और बढ़ जाएगा, अर्थात वहां हेलोफॉर्म रिएक्शन में पहले स्टेप हो रहा था हेलोजिनेशन और दूसरा स्टेप हो रहा था हाइड्रोलाइसिस, यहां स्टेप एक और बढ़ जाएगा, वो देगा ऑक्सीडेशन। कैसे देगा, तो होता क्या है, हेलोजन प्लस बेस, हेलोजन प्लस बेस, जैसे अपन ये कहें ये NaOH प्लस क्लोरीन, इसके दो मोल ले लें, ये रिएक्शन करके सबसे पहले बनता है NaOCl, ठीक है, और बाकी ये NaCl प्लस H2, तो ये बन गया यहां पे सोडियम हाइपो हैलाइड, सोडियम हाइपो हैलाइड, ये सोडियम हाइपो हैलाइड जो है ना, ये अपन जो है ये सोडियम हाइपो हैलाइड जो है ये अपन कह रहे हैं FS ऑक्सीडेंट, FS ऑक्सीडेंट, ठीक है, ये किसकी तरह काम करता है, एज ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, तो क्या करेगा, ये जो लिया गया है यहां जिसे एल्कोहल है, ध्यान देना, जिसे CH3CHOHCH3, ठीक है, ये जो होगा अपन कहेंगे सबसे पहले ऑक्सीडाइज करेगा बाय किसके द्वारा, ये NaOCl के द्वारा, किसके अंदर, ये ऑक्सीडाइज हो गया CHCH3, ठीक, जैसे कि आप जानते हैं 1 डिग्री एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता है LDL, और 2 डिग्री एल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता है कीटोन के, तो सबसे पहले क्या होगा, यदि आप कहेंगे आप यदि ये एल्कोहल लेते हो साथ में हेलोजन प्लस बेस दिया गया है, अपन जानते हैं इसमें भी CH3CH ये जो ग्रुप दिया गया है CH3 यहां पे CHOH ये ग्रुप दिया गया है, इसका ये कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्यों अपन जानते हैं CH3CHOH ग्रुप होता है वो भी हेलोफॉर्म देगा, इस कंपाउंड की रिएक्शन हेलोजन प्लस बेस के साथ करेंगे, इसका रिएक्शन कौन सी है हेलोफॉर्म, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा
NaOH plus क्लोरीन रिएक्शन करके क्या बनाएगा NaOCl, सोडियम हाइपोहैलाइड। इसी तरह काम करेगा ये ऑक्सीडेंट, ये ऑक्सीडेंट की तरह कार्य करते हुए ये अल्कोहल का क्या कर देगा ऑक्सीडेशन, ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज किसमें हो गया इसके अंदर, ठीक है। और अब जैसे ये जैसे ऑक्सीडेशन हुआ यहां पे अर्थात ये क्या बन गया यहां पर कीटोन, अपने इससे पहले लीथ में कीटोन, और जैसे ही कीटोन बनेगा अब इसका पहला स्टेप से यहां पे यदि ये लेते हो अल्कोहल तो यहां पे पहला क्या हुआ पहले हुआ ऑक्सीडेशन, यदि आप ये लेते हो अल्कोहल तो पहले क्या हुआ ऑक्सीडेशन, फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा हैलोजनेशन होगा, ठीक है। अर्थात पहले हो गया ऑक्सीडेशन, ये कीटोन बन गया, ये बनेगा हैलोजनेशन हो जाएगा, जो कि अपन इससे पहले अपनी मैकेनिज्म बताए थे आपको एसीटोन की हैलोजनेशन कैसे होती है, सर ब्रोमीन वहां ब्रोमीन के साथ है ब्रोमीन लो या क्लोरीन है, तो दूसरा हैलोजनेशन हो जाएगा, और तीसरा फिर स्टेप क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये तीन स्टेप हो जाएंगे यदि एल्कोहल लेते हो तो हैलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीटली तीन स्टेप में होती है, पहले किसके द्वारा होगा ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा सोडियम हाइपोहैलाइड के द्वारा कीटोन के अंदर 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड 2 डिग्री कीटोन, फिर उसका क्या हो जाएगा हैलोजनेशन, फिर क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस, जिसके द्वारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हैलोफॉर्म। तो यदि आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म लिखनी है तो आप पहले इसका क्या करा दो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से क्या बना दो कीटोन, फिर क्या करेंगे हैलोजनेशन, हैलोजनेशन हुई तो अपना अभी मैकेनिज्म दी उसी तरीके से, फिर हाइड्रोलाइसिस जो कि अभी अपने एसीटोन की मैकेनिज्म बताई थी उसी तरीके से आप उसका हाइड्रोलाइसिस करा के प्रोडक्ट बन सकते डायरेक्ट लिखते हो। अब अपन डायरेक्ट लिखते हैं आपको पता लग गया कि रिएक्शन जो है वो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना तो क्या कह रहा है तो आप यहां कर ले यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक करो, मैंने कहा सीएसटी वाले को इस बॉन्ड को ब्रेक करो, और इधर वाले ग्रुप है इस ग्रुप को चेंज करते हैं आप हैलोफॉर्म के, इस ग्रुप को चेंज कर हैलोफॉर्म, और इधर वाले ग्रुप है ये ग्रुप इसको आप चेंज कर दें यहां पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसको है यहां पे हैलोफॉर्म में चेंज कर दें, और इसको आप जो है चेंज कर दें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हैलोफॉर्म क्या है क्लोरीन है उसी का लिख दो आप यहां पे क्लोरोफॉर्म या गया क्लोरोफॉर्म, और इसको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात CH3CO, ठीक है। तो इस तरीके से आप यदि एल्कोहल लिया गया हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, समझ की बात को, तो आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड दे सकते हैं, आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर एल्कोहल दे सकते हैं, तो सबसे पहला काम है आपको पहचान करनी है क्या पीवी रिएक्शन हैलोफॉर्म है, मैकेनिज्म की जरूरत है तो लिखें, नहीं तो आप डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हो जैसे कि मैंने तरीका बताया सीएसटी वाले ग्रुप को ब्रेक करो, सीएसटी वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर दो हैलोफॉर्म में, बाकी वाले ग्रुप को कन्वर्ट कर दो एसीटी सॉल्ट में, जैसे कि अपन अभी एग्जांपल लेंगे इसमें पार्ट में, जैसे ये कुछ एग्जांपल है अपने यहां पर ये जैसे कि आपको दिया कहा जाए कि भाई इन रिएक्शनों की आपको बेस्ट प्रोडक्ट मैंने लिखा है यहां पर, जैसे कि ये लिख दिया CO CH3, ठीक है यहां पर आपको दे दिया है पर क्लोरीन OH-, दूसरी रिएक्शन भी यहां पर तरीके से लिख के दे दूं आपको मैंने C डबल O
CH3 यहां पे आपको दे दिया गया है QOPR विद प्रोटेक्टिव है। तीसरा यहां पे दे दिया गया है आपको इस तरीके से CH3 OHCH3 एंड प्लस NaOI ये दिया गया। क्या इसी प्रकार से और रिएक्शन है आपके यहां पर, जैसे कि सपोज ये दे दें CH3CH2OHCl प्लस, ठीक है, यहां पर ब्रोमीन प्लस NaOH या KOH ये कुछ। अब आपको पहले ही इनके अंदर बढ़ने वाला मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, चल देखिए आप जरा ध्यान दें इसे, ये जो कंपाउंड पहला काम है आपको रिएक्शन की पहचान करना, देखना है क्या रिएक्शन दी गई है। अभी तो चलो अपन जानते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर आपको पता चल सकती है कि अभी हेलोफॉर्म रिएक्शन दी गई है या कौन से, तो सबसे पहला काम होगा आपको पहचान करनी है कि क्या दी गई रिएक्शन हेलोफॉर्म या कोई दूसरी रिएक्शन। पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए कि कंपाउंड जो दिए गए हैं क्या वो हेलोफॉर्म देने वाले कंपाउंड हैं, और फिर उसकी रिएक्शन क्या हैलोजन प्लस बेस के साथ की गई है। तो कंपाउंड यदि हेलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले को उसकी रिएक्शन हैलोजन प्लस बेस के साथ दी गई है, इसका मतलब वो हेलोफॉर्म रिएक्शन। जैसे कि अपन यहां पे देखें ये जैसे ये CH3 ये देखिए CH3 CO2, तो आपको क्या करना है यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको इधर वाला चेंज करना किसके अंदर हेलोफॉर्म में, इसको चेंज कर दें हेलोफॉर्म में, और इधर वाले ग्रुप को किसमें चेंज कर दें एसिड में सॉलिड में। हेलोफॉर्म के अंदर यदि बात करें तो CH3 ये आ गया यहां पे क्लोरोफॉर्म प्लस एसिड का सॉल्ट ये बन गया यहां पर बेंजीन, और ये आ गया यहां पे CO NaKOH NaOH, ये तो बेस है लेकिन यहां सोडियम पोटेशियम कुछ नहीं लिखा है, तो आपको बात यहां से आई थी यहां NaOH KOH दे रखा है तो K प्लस या NH प्लस दे। अब इसमें देखना ये हाइपो हैलाइट आयन दिए गए, जैसे कि मैंने बताया था हेलोफॉर्म रिएक्शन में कई जगह क्या करते हैं आपको सीधा हाइपो हैलाइट आयन दे देते हैं, हेलोजन प्लस बेस की जगह डायरेक्ट हाइपो हैलाइट आयन दे देते हैं, तो भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। हाइपो हैलाइट दिया गया है इसका अर्थ हाइपो हैलाइट आयन किससे बनता है, हेलोजन प्लस बेस। जैसे कि हाइपो हैलाइट आयन ये बना है ये आप जानते हैं यहां पे KOH प्लस ब्रोमीन, KOH प्लस ब्रोमीन की रिएक्शन अपन बैलेंस नहीं कर रहे हैं, कितने मोल किसके चाहिए कितने मोल किसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं अपन, अगर किसकी रिएक्शन किसके साथ किसकी प्रदेश में हो रही है तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो KOH प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। KOH प्लस ब्रोमीन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं KOBr प्लस या गया KBr प्लस H2। इसका क्या ये आपको दिया गया है, इसका है ये KOH प्लस बेस हुआ क्योंकि ये किससे बन रहा है KOH प्लस बेस से बन रहा है, इसका ये रिएक्शन की कौन सी है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर कई जगह आपको हेलोजन प्लस बेस की जगह हाइपो हैलाइड भी देते हैं, तो ध्यान रखना समझ लेना कि वो रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये भी रिएक्शन हेलोफॉर्म में ही है, तो आपको जानते हो यहां से बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करना है, इसको चेंज करना है हेलोफॉर्म में और इसको चेंज करना है एसिड के सॉल्ट में, तो इसको तो आप हेलोफॉर्म में चेंज कर दें, हेलोफॉर्म के रूप में ये आ गया यहां पर CHBr, ठीक है ये हेलोफॉर्म के रूप में आ गया CHBr, और इधर एसिड का सॉल्ट के रूप में ये आ गया यहां पर एसिड के सॉल्ट के रूप में, ये आप देखें तो डबल O एंड सोडियम पोटेशियम का है तो ये पोटेशियम, ठीक है। इसी प्रकार इसमें देखें हाँ ध्यान है सोडियम हाइपोहैलाइड के रूप में यहां पर जिसे आयोडाइड दे रखा है, हाइपोहैलाइड आयन जो है हाइपोहैलाइड जो दे रखा है उसमें आयोडाइड है, इसकी तरह काम करेगा एज ऑक्सीडेंट, तो सबसे पहले इसका क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, क्योंकि यहां तो ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कीटोन बना, कीटोन का इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट इसका जैसे मैग्नीशियम की बात करें
तो सीधा हैलोजनेशन, हैलोजनेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस और फिर प्रोडक्ट बन जाएगा और डायरेक्ट इसके फिर यहां से बॉन्ड को ब्रेक करके आप इसको ले लो। लेकिन यदि एल्कोहल है तो आप जानते हो ये एल्कोहल है, इसमें भी आप देखें यदि तो इसमें ये CH3 ग्रुप है, इसका अर्थ है कंपाउंड की हैलोफॉर्म रिएक्शन होने वाला। जैसे कि अपने बताया था यदि किसी कंपाउंड में CHOH ये ग्रुप है यहाँ पे और CH3CO ग्रुप होता है तो जनरली वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, उस कंडीशन होती है ना जोड़ने पर भी नहीं, तो अलग बात है। बाकी वहां पे आप कहते हैं कि यदि ये ग्रुप है तो वो हैलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। इसके लिए शर्त यह है कि हाइड्रोजन या कार्बन से ग्रुप अटैच हो जाए। चलिए अब यहाँ पे देखें ये किसी लिया तो सबसे पहले इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा इलेक्ट्रॉन से कीटोन, ठीक है। फिर क्या होगा हैलोजनेशन, हैलोजनेशन के बाद हाइड्रोलाइसिस और उसके द्वारा फाइनल प्रोडक्ट। अब अपन क्या करना है, आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दे तो पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचान करनी है क्या ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। आपको पता लगे कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है तो आप क्या करें, इधर CH3 ग्रुप को ब्रेक करो, इस CH3 ग्रुप को ऐड करो इधर, तो इस वाले CH3 ग्रुप को किसमें चेंज करना है, इसको तो CH3 वाले ग्रुप को चेंज करना है किसके अंदर, हैलोफॉर्म ग्रुप, इसको तो आप चेंज कर दो हैलोफॉर्म के अंदर। और इसको आप चेंज कर दें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको चेंज कर दें सॉल्ट ऑफ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखें तो ये तो आगे हैलोफॉर्म के रूप में, यहाँ पर CH हाँ हैलोफॉर्म में आयोडीन है क्या होगा CH3 आयोडोफॉर्म है और प्लस CH3CO और एसिड का सॉल्ट सोडियम सोडियम। इसी प्रकार यहाँ पे देखें ये जो कंपाउंड दिया गया था कंपाउंड इसमें CH3CH NOH ये तो यहाँ पर भी इसका ये कंपाउंड भी हैलोफॉर्म है हैलोजन और बेस के रूप में यहाँ पे यहाँ से इस बॉन्ड को इसको ब्रेक कर दें, इसको ब्रेक करेंगे तो ये तो आपके यहाँ पे आ गया, इसको तो चेंज कर दें आप यहाँ पे हैलोफॉर्म के अंदर और यहाँ पर इसको आप चेंज कर दें सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो हैलोफॉर्म के अंदर इसको चेंज कर देंगे तो ये आ गया यहाँ पर क्लोरोफॉर्म, ठीक है। BBr है तो यहाँ पे आ गया ब्रोमोफॉर्म प्लस यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो एक कार्बन का है तो एक कार्बन का ये यहाँ पे NH आ गया, ठीक है। हाँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जरा ध्यान पर देख रहे कि इस प्रकार के अंदर यदि आपको दिया गया तो सबसे पहला काम है आपको रिएक्शन की पहचान करना, ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाले हैं और इनकी रिएक्शन हैलोजन प्लस बेस और हैलोजन प्लस बेस की जगह हाइपोहैलाइड सोडियम हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपोब्रोमाइड सोडियम हाइपोआयोडाइड अर्थात इन सबको क्या सोडियम हाइपोहैलाइड दे दे, जैसे Na या सोडियम या पोटेशियम कोई भी ले लो, NaOCl ले लो या NaOBr ले ले लो, NaOI ले ले, ये हाइपोहैलाइड दिए गए हैं तो भी समझ लेना कि वो रिएक्शन हैलोफॉर्म है, क्योंकि हाइपोहैलाइड लाइन का आता है वो हैलोजन प्लस बेस से बनता है अर्थात रिएक्शन में आपको हैलोजन प्लस बेस दिया गया है, ठीक है। तो हैलोजन प्लस बेस दिया गया है तो आपको क्या करना है, सीधा प्रोडक्ट लिखना है। तो मैकेनिज्म पे आपको नहीं जाना है, पूरी मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म तभी लिखनी है जब आपको जरूरत हो, नहीं तो आपको क्वेश्चन में मैकेनिज्म नहीं लिखनी है, रिएक्शन की पहचान करनी है कौन सी रिएक्शन है कौन सी स्टेप है और उसके आधार पर सीधा प्रोडक्ट लिखना है। तो सीधा प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहचान होगी हैलोफॉर्म रिएक्शन है, पहले जिसने देखा है ये कंपाउंड हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है, हैलोजन प्लस बेस है, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इसको चेंज कर देंगे हैलोफॉर्म, ठीक है, या हैलोफॉर्म एसिड का सॉल्ट, मतलब हैलोफॉर्म क्लोरीन है यहां पे आ गया क्लोरोफॉर्म एसिड का सॉल्ट हो गया। इधर देखें CH3CO ये ग्रुप है ना CH3CO ग्रुप अर्थात हैलोफॉर्म रिएक्शन देने वाला कंपाउंड है, जैसे देखो इसको चेंज कर दो हैलोफॉर्म, ठीक है। हाइपोहैलाइड है जैसे अपन जानते हैं हाइपोहैलाइड किससे बनता है, क्यों QH प्लस ब्रोमीन QBr प्लस ये बनता है, इसका अर्थ है यहां पर भी हैलोजन प्लस बेस ही है, हैलोजन प्लस बेस ही रिएक्शन की हैलोफॉर्म है, इसको बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे इसको चेंज कर देंगे हैलोफॉर्म और यह जैसे का सॉल्ट, जैसे कि का एल्कोहल एल्कोहल दिया गया था हाइपोहैलाइड ये एज ए
ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, इसका पहले क्या करेगा ऑक्सीडेशन, एयर पोल से क्या बन जाएगा पीटोन, फिर हेलोजनेशन और हाइड्रोलाइसिस से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अपन एक स्टेप पे लिखते हैं, मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, आप पहले एक स्टेप पे लिखेंगे। तो यहां से कौन सा ब्रेक होगा, क्योंकि आपको पता लगा कि रिएक्शन हैलोफॉर्म है, ब्रेक करो ये हैलोफॉर्म, ये एसिड की सॉल्ट बन जाएगा। इसी प्रकार यहां पर CH3CH2H हैलोजन प्लस में है, तो इसमें भी बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे इधर CH2 वाले ग्रुप को, इसको चेंज कर देंगे हैलोफॉर्म और इसको सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो आ गया यहां पर हैलोफॉर्म प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। बाकी वाला नेक्स्ट वाला पार्ट।